अलकायदा ने जारी किया दहशतगर्द अल जवाहिरी का नया वीडियो। 9/11 की 20वीं बरसी पर अलकायदा ने जारी किया वीडियो। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के जाने का जिक्र कर रहा है जवाहिरी। लादेन के बाद अलकायदा की कमान संभालने वाला अल जवाहिरी पिछले काफी वक्त अंडरग्राउंड था। नवंबर 2020 में अल जवाहिरी की बीमारी से मौत की खबरें सामने आई थी, लेकिन वीडियो में पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई दे रहा है अल जवाहिरी। तालिबान के हाथ लगा अमेरिकी हथियारों का जखीरा। अमेरिकी हथियारों के कब्जे में आने से बढ़ी तालिबान की ताकत। तालिबान के कब्जे में आया अमेरिकी असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल समेत मशीन गन, नाइट विजन डिवाइसेस और बुलेट प्रूफ वेस्ट भी तालिबानियों के हाथ लगे। अफगानिस्तान में तालिबान का बड़ा फैसला, अफगान में नहीं चलेगी पाकिस्तानी करेंसी, सभी लेनदेन सिर्फ और सिर्फ अफगानी करेंसी में ही होगा। काबुल में सदारती महल पर लहराया तालिबानी झंडा। इख्तदार पर काबिज होने के बाद तालिबानियों ने प्रेसिडेंशियल पैलेस पर लगाया झंडा। पंजशीर में तालिबानी लड़ाकों की बर्बरता, सरेंडर करने के बावजूद एनआरएफ लड़ाके की गोली मारकर हत्या। पंजशीर के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने खेला खुला खेल। नॉर्दर्न अलायंस के मुताबिक पंजशीर में पाकिस्तानी फौज के जवान भी लड़ रहे हैं जंग। नॉर्दर्न अलायंस के मुताबिक एक तरफ तालिबान समझौते की बात कर रहा था तो साथ ही तालिबान पंजशीर पर हमले की भी साजिश रच रहा था। तालिबान ने पहली बार अमेरिका में हुए 9/11 दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की, अलकायदा से भी किनारा कर लिया। तालिबानी राज में काबुल यूनिवर्सिटी की पहली क्लास, तालिबान को बुरखे में बुलाया गया। तालिबानी यूनिवर्सिटी में लड़कियों को शरिया कानून की दिलाया गया हलफ। इस मौके पर लड़कियों के हाथों में दिखा तालिबान का झंडा। तालिबान में नंबर दो मुल्ला बरादर के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड, अफगान मीडिया की रिपोर्ट वायरल। तालिबान सरकार को नहीं मानेगा हिंदुस्तान, वजीर खारजा एस जयशंकर बोले अफगानिस्तान की नई हुकूमत एक इंतजाम से ज्यादा कुछ नहीं। तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते में पड़ी दरार, वायरल ऑडियो में तालिबान ने कहा पाकिस्तान ने हमारी इज्जत कर दी मटियामेट। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान का वकार किया खराब, तालिबान के एक कमांडर ने किया इंकशाफ। पाकिस्तान तालिबान के रिश्ते में कैबिनेट को लेकर पड़ी दरार, आईएसआई प्रमुख ने हक्कानी नेटवर्क और क्वेटा शूरा के नामों का रखा था तजवीज। आईएसआई प्रमुख फैज हमीद पर भड़का तालिबान, समावेशी सरकार का गठन नहीं करने के लिए तालिबान ने आईएसआई चीफ को ठहराया जिम्मेदार। पाकिस्तान और चीन को तालिबान का डर, पाकिस्तान चीन के निशाने पर है अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीम टीटीपी, बीएलए, ईटीआईएम। तालिबान के सामने पाकिस्तान और चीन ने टेके घुटने, टीटीपी, बीएलए, ईटीआईएम को अफगानिस्तान में पनाह नहीं देने की तालिबान से की गुजारिश। पाकिस्तान सरकार की पहल पर 8 सितंबर को अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों ने की बैठक, टीटीपी और बीएलए को पाकिस्तान में किया गया बैन। अफगानिस्तान के बामियान में तालिबान के खिलाफ नारेबाजी, तालिबान के खिलाफ सड़क पर उतरी अवाम, अहमद मसूद की तस्वीर लेकर उतरे लोग। तालिबान के खिलाफ मुजाहिरा कवर कर रहे सहाफी पर कार्रवाई, सहाफी मुर्तजा समाजी को तालिबान ने हिरासत में लिया, कवरेज पर भी लगाई रोक। इरबिल एयरपोर्ट के पास दागे गए 3 रॉकेट, उड़ानें मुतासिर नहीं, तैयारों की परवाजें जारी, 1 महीने पहले भी बनाया गया था निशाना।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर जारी, सिक्योरिटी फोर्सेज ने कई मिलिटेंटों को घेरा। अफगानिस्तान संकट पर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वार्ता, दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद पर इत्तेफाक राय, यूएनएससी तजवीज के जरिए हल निकालने पर जोर। 9/11 की 20वीं बरसी पर न्यूयॉर्क में प्रोग्राम का इनेकाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पेश किया, महलुकीन को खराज अकीदत, कहा तारीख का सबसे काला दिन। 25 सितंबर को यूएनजीओ को खिताब करेंगे पीएम मोदी, शाम 6 बजे पीएम मोदी का खिताब, 21 सितंबर से शुरू होगा अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का 75वां सेशन। हिंदुत्व के खिलाफ अमेरिका में 3 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार, हिंद अमेरिका में सेमिनार की मुखालफत, कनाडा में भी हुआ एहतजाज। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार 2+2 वजीर लेवल की मेजबानी की, मीटिंग में अफगानिस्तान में मौजूदा बहरान समेत तमाम मुद्दों पर बात हुई। तालिबान को लेकर ऑस्ट्रेलिया का बड़ा बयान, कहा अफगानिस्तान का मुस्तकबिल तश्वीशनाक, दहशतगर्दी की पनाहगाह ना बने अफगानिस्तान। ऑस्ट्रेलियाई डेलीगेशन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी को गुजरात के लिए सुपरवाइजर बनाया गया, नए वजीर आला के चुनाव के लिए पहुंचे गुजरात। गुजरात में विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल हुई तेज, पीर को होगी नए सीएम की हलफ बर्दारी। गुजरात के वजीर आला के उदय की रेस में मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला और नितिन पटेल का नाम आगे। इस्तीफा देने के बाद रूपाणी ने पार्टी या कयादत में किसी तरह की नाराजगी को किया खारिज, कहा पार्टी में जिम्मेदारी बदलती रहती है। रूपाणी के इस्तीफे पर कांग्रेस का तंज, गुजरात कांग्रेस सदर अमित चावड़ा बोले, बीजेपी के चेहरा बदलने वाली पॉलिसी 2022 चुनाव में नहीं चलेगी। टोक्यो पैरालंपिक मेडल फाते को पीएम मोदी ने एजाज से नवाजा, खिलाड़ियों से सुनी फतेह की कहानी, कहा सभी खिलाड़ियों ने शानदार मुजाहिरा किया। पैरालंपिक खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को दिया गिफ्ट, भेंट में दिया टी शर्ट, गमछा पहनाकर किया सम्मानित। पीएम मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला, एक एक खिलाड़ी से की बात, सुनी चैंपियंस की विजय कहानी। राहुल गांधी ने फिर चीन के मुद्दे पर मरकजी हुकूमत को घेरा, कहा चीन ने लद्दाख में दिल्ली के बराबर जमीन हड़पी। दिल्ली में एनएसयूआई के एक प्रोग्राम में राहुल गांधी ने दिया बयान, चीन ने लद्दाख में जमीन हड़प ली। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने कहा सरमाई इजलास में सालिसी पर नया कानून करेंगे पेश, हिंदुस्तान को आलमी सालिसी का मरकज बनाना चाहते हैं। मुंबई की निर्भया कांड में मुलजिम को 10 दिन की पुलिस कस्टडी, उद्धव सरकार ने दिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने का हुक्म, 1 महीने में फाइल हो चार्जशीट। मुंबई में रेप मुतासरा की मौत पर सियासी बवाल, सीएम उद्धव ठाकरे ने की इमरजेंसी मीटिंग, मीटिंग में पुलिस को खवातीन की सिक्योरिटी के उपाय करने की दी गई हिदायत। मुंबई निर्भया कांड में गिरफ्तार मुलजिम की बर्बरता आई सामने, सीसीटीवी वीडियो में भी दिखी मुलजिम की करतूत। आज देश की सबसे बड़ी मेडिकल नीट एंट्रेंस एग्जाम, दोपहर 2 से 5 बजे के बीच होगा एग्जाम, पेन और पेपर मोड पर होगा एग्जाम। जी मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन नीट का असर, सॉल्वर गैंग के 10 गुर्गों को जयपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। जयपुर पुलिस ने मुलजिमीन से 1 लैपटॉप और 10 मोबाइल के बरामद, 7 से 10 लाख रुपए में फर्जी अभ्यर्थी बिठाने का कर रहे थे सौदा। 17 सितंबर को यूपी चुनाव इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान का मुमकिना दौरा, सिद्धार्थनगर में कर सकते हैं मरकजी स्कूल की नई बिल्डिंग का इफ्तिता। यूपी के रायबरेली पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का शानदार इस्तकबाल, जगह जगह कारकुनान की दिखी भीड़।
विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने बूथ विजय मुहिम की शुरुआत की। बूथ लेवल के ओहदेदारों को दिया जीत का नारा। बीजेपी के बूथ विजय मुहिम प्रोग्राम में जेपी नड्डा ने कहा, बड़ी अक्सरियत से बीजेपी की सरकार बन रही, यूपी से गुंडागर्दी खत्म हुई, तरक्की हुई है। बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा भगवान राम के सेवकों पर गोलियां चलाई गई, पहले यूपी में श्रीराम का नाम लेना भी दुश्वार था। नड्डा ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने भगवान श्री राम के वजूद को नकारा, अपोजिशन के धोखे को आवाम याद रखेगी। बीजेपी के बूथ विजय मुहिम के बाद अब समाजवादी पार्टी भी जन मन विजय मुहिम चलाएगी, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दी जानकारी। अखिलेश यादव ने कहा, हर बूथ पर एसपी कारकुनान करेंगे जन जागरण, मुहिम से आवाम में जमहूरी इनकलाब लाएंगे। समाजवादी पार्टी की संविधान बचाओ संकल्प यात्रा का दूसरा मरहला 13 सितंबर से 18 सितंबर तक चलेगा, औरैया में 18 सितंबर को होगा इख्तिताम। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी सबसे झूठी पार्टी, बीजेपी के लिए तरक्की हसास मुद्दा नहीं। लैला से मोहभंग होने के बाद यूपी के मजनू का माफिया पर आया दिल, बाहुबली मुख्तार को राजभर ने बताया पूर्वांचल का मसीहा। ओम प्रकाश राजभर का जगह मुख्तार प्रेम, राजभर ने की मुख्तार को टिकट देने की पेशकश। बाहुबली मुख्तार अंसारी का मायावती पर पलटवार, ट्वीट करके लिखा हमारी ताकत नहीं जानती सियासी पार्टी, 5 बार एमएलए बना, जेल में रहकर भी जीता। यूपी के बीजेपी इंचार्ज राधा मोहन का ओवैसी पर बड़ा हमला, बोले ओवैसी का वायरस आएगा तो मोदी का टीका उसको खत्म कर देगा। यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर इंतखाब लड़ेगी शिवसेना, पार्टी किसी भी पार्टी के साथ फिलहाल कोई इत्तेहाद नहीं करेगी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने खेला हिंदू कार्ड, कर्नल अजय कोठियाल ने किया ऐलान, कहा हिंदुओं की रूहानी राजधानी के तौर पर करेंगे विकसित। यूपी के प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण, पहले सत्र जमुरिया राजेंद्र प्रसाद के नाम पर होगा, यूपी हुकूमत का फैसला। यूपी के जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तरक्की और लॉ एंड ऑर्डर की जानेंगे हकीकत, अचानक दौरा करने का भी है प्लान। प्रयागराज में सदर जमुरिया रामनाथ कोविंद ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की रखी संघीय बुनियाद, साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग और एडवोकेट चैंबर की भी दी सौगात। पंजाब के लुधियाना में बीजेपी और यूथ कांग्रेस में झड़प, महंगाई के मुद्दे पर हुई बहस के बाद जमकर चले जूते पत्थर, कई कारकुनान जख्मी। मुजफ्फरनगर में एक और महापंचायत का ऐलान, अब 26 सितंबर को हिंद मजदूर किसान समिति मुजफ्फरनगर में करेगी महापंचायत। किसानों को लेकर राहुल गांधी का हुकूमत पर निशाना, कहा किसान की इनकम नहीं कर्ज बढ़ा, मुल्क का पेट भरने वाले अपने परिवार का पेट ना भर सके तो क्या करें। कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी किसानों का वजूद खत्म कर रही, किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में इंतजामिया ने किसानों को नहीं दी पंचायत की इजाजत, फिर भी तैयारियों में जुटे किसान वजीर, कहा राकेश टिकैत करेंगे प्रोग्राम। 17 सितंबर को तीनों जरई कानून के पास होने के एक साल होने पर दिल्ली में अकाली दल का एहतजाज, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से पार्लियामेंट तक करेगी मार्च। मुल्क में तेजी से घट रही कोरोना इन्फेक्शन की तादाद, पिछले 24 घंटे में मिले 28,591 नए मामले, 338 लोगों की कोरोना से हुई मौत। पिछले 24 घंटे में 34,848 मरीजों ने की रिकवरी, मुल्क में अब 384,921 एक्टिव केस। मुल्क में हफ्ते को 64 लाख से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना वायरस का टीका, अब तक मुल्क भर में 73 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। अगले महीने आ सकती है बच्चों के लिए वैक्सीन, जाइडस कैडिला वैक्सीन को अक्टूबर में लॉन्च किया जा सकता है।
दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 46 साल का रिकॉर्ड। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी भारी बारिश के आसार। दिल्ली में हफ्ते को हुई मूसलाधार बारिश का असर परवाजों पर भी पड़ा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 परवाज करनी पड़ी डाइवर्ट। भारी बारिश के बाद दरिया बनी दिल्ली, सड़कों पर भरा पानी, गलियों और घर डूबे। यमुना में डूबने से 3 बच्चों की मौत। दिल्ली में अगले 2 दिन भी हल्की बारिश का अंदेशा। 17 से 18 सितंबर को भी दिल्ली में बारिश होने का अलर्ट। अभी कुछ दिन और जारी रहेगी आफत की बारिश। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई रियासतों में 5 दिन बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के बस्ती से आया हैरान करने वाला मामला। 15 साल की बच्ची के साथ बर्बरता, मुंह में ब्लेड डालकर कपड़े से बांधा, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर तामीर के डिजाइन में बदलाव, अब 44 के बजाय 48 लेयर पर टिकेगी नींव। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 बच्चों का गला रेत कर कत्ल, गन्ने के खेत में मिले दोनों की शव। लखनऊ में गैंगवार में हिस्ट्री शीटर का कत्ल, 3 बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 1 फरार। कानपुर देहात में शराबी दरोगा ने बीच सड़क पर लड़की से की मारपीट, बेल्ट लिए सड़क पर करती रही तांडव। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने मुलतवी किया एहतजाजी मुजाहिरा, सीएम धामी से बातचीत के बाद लिया फैसला। उत्तराखंड में जारी है जोड़ तोड़ की सियासत, जराय के हवाले से खबर। कांग्रेस के 1 एमएलए थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। फोर्ड के देश छोड़ने की वजह, कामकाजी कारोबारी माहौल से कोई लेना देना नहीं। मैकडॉनल्ड्स में अब मसाला कड़क चाय और हल्दी वाला दूध भी मिलेगा, इम्यूनिटी बूस्टर पर कंपनी का फोकस। सयाहत के लिए लीज पर डिब्बे देगी रेलवे, सकाफती मजहबी थीम पर चलाई जा सकेगी रेल। इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट सीरीज के विनर का फैसला अब अगले साल होगा। टीम इंडिया 2022 में इंग्लैंड दौरे पर खेलेगी 1 टेस्ट मैच। आईपीएल से हटे इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी, जॉनी बेयरस्टो, क्रिस वॉक्स और डेविड मलान ने फेज 2 से वापस लिया नाम। आखिरी टेस्ट को लेकर इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन का दावा, टीम इंडिया को डर था पॉजिटिव हुए तो आईपीएल छूट सकता है। शुमाली इराक के इरबिल एयरपोर्ट पर धमाका खेज, आशिया से भरे ड्रोन से हमला, ड्रोन अटैक में 3 लोगों के मारे जाने की खबर। रूस ने बेलारूस सरहद के पास किया जंगी मश्क, जदीद जंग रोबोट और हथियारों से दिखाया जंग कौशल, सरमैक 2 व्हीकल का किया मुजाहिरा। शिल्पा शेट्टी ने पूरे जोश के साथ 1.5 दिन के बप्पा को दी विदाई, शिल्पा ने अपने घर में ही धूमधाम से किया गणपति विसर्जन। टाइगर श्रॉफ ने बास्केटबॉल खेलते हुए वीडियो किया शेयर, वीडियो हुआ वायरल।